फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभमिताज ब्लॉग। और मैं हूँ आप सबकी प्यारी मिताली। तो स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में एक और नए ब्लॉग के साथ। तो आज हम नहीं गए हैं, यहीं पे स्टे करेंगे शायद से। अभी कुछ बोल नहीं सकते, पापा का माइंड भी चेंज हो सकता है अभी दोपहर के बाद। तो अभी तो हम रुके हैं, सुबह का नाश्ता हो चुका है और मैंने भी नहा धो आज सुबह ही लिया था। और अभी दोपहर में बहुत सारी मतलब बंगाली रेसिपीज़ बन रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी बंगाली सब्ज़ी भी मिलती है, फिशेस वगैरह भी अच्छी खासी मिल ही जाती है। तो पापा का बहुत मन है, मामी बहुत अच्छा बंगाली फूड बनाती हैं, इसीलिए अभी सब प्रिपेयर हो रहा है। एक बन रहा है शायद केले के फूल की सब्ज़ी बन रही है, और एक आता है ना अरबी का जो पौधा होता है उसमें एक लता निकलती है, मतलब लता जैसा निकलता है, उसे हमारे बंगाल में बोलते हैं कोचू लती बोलते हैं उसको। तो हमारे अरबी को कोचू बोलते हैं और वो लती मतलब अरबी का जो एक लती लता टाइप का निकलता है उसकी सब्ज़ी बनती है। तो वो मुझे भी अच्छी लगती है, लेकिन मेरे को ना वो फ़िश के साथ नहीं पसंद, मुझे वो फ्राई अच्छा लगता है जैसे गार्लिक के साथ फ्राई करके। बट आज शायद वो फ़िश के साथ बने, क्योंकि आज सब लोग सुबह फ़िश वगैरह लेके आए हैं। तो आज हम लोग अभी यहीं पे रुके हैं, वेदर मतलब उमस भरा है, बारिश नहीं हुई है, बादल बादल लगे हैं। तो यहाँ पे ना छत पे आके ऐसे घूमना बहुत अच्छा लगता है, जैसे ये पूरा एक गांव एरिया है ना, तो गांव में घूमना किसे नहीं पसंद। जैसे हम लोग शहर में रहते हैं तो कभी कभी गांव में आते हैं तो अच्छा लगता है। तो देखिए यहाँ पे आके ये तालाब देखना, फिर ये आसपास में लोग जाते रहते हैं, पतली सी रोड है एक, तो ये सब देखना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे जब मम्मी बीच में आई थी, मम्मी यहाँ पे एक महीना पहले यहाँ एक महीना रह के गई है, तब मैं पापा और मेरे हस्बैंड रहते थे घर पे और मम्मी यहाँ पे आई थी अपने मायके। तो यहाँ पे मम्मी सब प्लांटिंग वगैरह यहाँ भी करके गई, जैसे मामी ने यहाँ प्लांटिंग वगैरह किया था बट मम्मी उसको फिर से रिपोर्ट करके गई थी। तो अभी उन सब की देखभाल जो है मामी ही करती हैं। तो देखिए ये कितना अच्छे से हुए हैं, यहाँ पे पोर्चुलेकास है ये, और भी बहुत सारे प्लांट आपको यहाँ पर मिलेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। ये एक पोर्चुलेका है, इसमें सदाबहार पोर्चुलेका है, ये सब मम्मी रिपोर्ट करके गई थी। ये एक इसमें बड आया हुआ है, ये है हिबिस्कस है ये, और ये तो तुलसी का पौधा है और इसे हम पर्पल हार्ट बोलते हैं, मतलब इसका नाम पर्पल हार्ट ही है। ये हमारे घर से लेके आई थी मामी। और ये रहा देखिए, इसमें देखिए फ्लावरिंग आया हुआ है कितना अच्छा सा। ये इलायची का पेड़ है, मामी भी हमारे वहाँ देख के, उसके बाद मामी को बहुत पसंद आया था इलायची का जो पौधा था, तो उन्होंने भी लिया ये इलायची का पौधा। ये देखिए पोर्चुलेका भी है इसमें, इसमें आपको तुलसी भी मिलेगा। और ये रहा पोर्चुलेका, इसमें एलोवेरा है, इसमें पोर्चुलेका है, ये देखिए इसमें भी पोर्चुलेका है, और यहाँ पे एलोवेरा है, और इसे पता नहीं कौन सा प्लांट बोलते हैं, ये कैक्टस टाइप का होता है और इसमें बहुत अच्छा सा फ्लावर आता है, रेड कलर में आता है, एक लाइट पिंक कलर में आता है, मतलब अलग अलग कलर में है होता है ये, यहाँ पता नहीं कौन सा कलर का है। ये एलोवेरा, ये पोर्चुलेका, और पीछे देखिए व्यू आप लोग, आम का पेड़ है बहुत बड़ा सा एक, उसके नीचे शायद बारिश वगैरह हुई थी तो इसीलिए यहाँ पे पानी वगैरह भरा हुआ है। यहाँ पे पास में एक झोपड़ी जैसी है, मतलब बस्ती है, यहाँ पे छोटा सा गांव है ना, तो यहाँ पे ऐसी घर है, उधर उनका बाथरूम है वो रहा, और ये झोपड़ी रही, और बाकी इधर देखिए गंदा सा पानी जमा हुआ है, इसलिए इसी सब पानी में ना मच्छर वगैरह बहुत बनते हैं, और यहाँ पे सांप वाप भी बहुत आता है, मामी बोल रही थी। देखिए कितनी घास हो रखी है, यहाँ पे पानी आनी भी है, बारिश की वजह से पानी भरा हुआ है। और ये इतनी जो बाउंड्री के पास इतनी जो ज़मीन है, ये मामा लोगों की ज़मीन है, तो यहाँ पे ना इस एरिया में बहुत ज़्यादा सांप वगैरह आता है, क्योंकि तालाब भी है पास में और इतने घास फूस, और बारिश का टाइम है तो सांप वगैरह बहुत है, जैसे मामी लोग यहाँ पे अक्सर देखते रहते हैं सांप वगैरह। और यहीं पास में मतलब अच्छा है, वहाँ एक मंदिर है, तो यहाँ से दिखेगा नहीं, मैं आप लोगों को दिखाऊँगी बाद में। ये देखिए यहाँ पर सब घर है और नीचे सब लोग बहुत बिजी हैं, काम वाम कर रहे हैं, देखिए ये गांव एरिया में ही है। मामा का जो क्लिनिक है वो यहीं नौगढ़, नौगढ़ नाम बहुत लोगों ने सुना होगा, और
सिद्धार्थ नगर पे है ये, और यहाँ नेपाल के पास ही है ये, ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से नेपाल। अगर हम नेपाल यहाँ पे से पहले मम्मी पापा हमारी शादी से पहले, जैसे अभी तो कोरोना वगैरह चल रहा है, शादी से पहले ऐसा होता था ना कि जब भी वो लोग आते थे तो कहीं ना कहीं निकल जाते थे नेपाल वगैरह, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं। यहाँ से थोड़ा दूर जाके ही नेपाल का जो बॉर्डर दिखता है, वहाँ पर नेपाल के बॉर्डर के पास एक पार्क है, यहाँ कपिलवस्तु, मैं भी गई हूँ उस जगह पर, बट वो पिछले साल ना बंद था तो इस साल अभी नहीं गई हूँ। मम्मी गई थी बीच में और अभी मेरे हस्बैंड लोग घूमने गए। अभी यहाँ आके ना मैं थोड़ा घर सबका हेल्प भी करती हूँ, उसके बाद मौका मिलता है तो उनके साथ सब लोगों के साथ, तीन दो देवर हैं और मेरे हस्बैंड और मैं, हम चार लोग घूमते रहते हैं। तो कल रात को जैसे हम पिज्ज़ा वगैरह खाने गए थे, आज प्लान है कि मासी का घर यहाँ से, मासी भी आई हुई है छोटी वाली, उनका घर यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, तो उनका घर यहाँ से बासी मतलब 30 किलोमीटर, आधा घंटे का रास्ता है शायद, तो आज वहाँ जाने की बात हो रही थी तो शायद जाए वहाँ पे, तो आप लोगों को शेयर करूँगी मैं। मेरी वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पे कोई नए लोग हैं वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें, और मैं ऐसे ही आपके साथ अच्छे अच्छे ब्लॉग शेयर करने का कोशिश करूँगी। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगी अच्छे अच्छे ब्लॉग शेयर करूँगी, मैं ये बोल रही हूँ कि मैं अच्छे अच्छे ब्लॉग कुछ शेयर करने की कोशिश करूँगी, आप लोगों को एंटरटेन करने की कोशिश करूँगी। तो जुड़े रहे मेरी वीडियो के साथ और बने रहें, आज भी देखते हैं क्या क्या होता है, जो जो होगा, अभी तो कुछ है नहीं, जैसे अचानक अचानक से कुछ ना कुछ प्लान हो जाता है तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए जुड़े रहे मेरी वीडियो के साथ, तो मैं दिखाती हूँ नीचे हम लोग क्या क्या बना रहे हैं। जब मैंने बोली थी बंगाली डिशेस बन रही है, तो थोड़े आप लोगों को उन चीज़ों की झलक दिखाऊँ। रक्षाबंधन का गिफ्ट लेने, कल राखी बांधी थी, आज गिफ्ट लेने जा रहे हैं, खुद की पसंद से जा रही है मम्मी। हम सब चले मौसी के यहाँ, आप सब जरा देखिए हमारे साथ साथ कौन जा रहा है। और कल जैसे मैंने बताया था, मैंने जो ड्राइवर रखा है वो मेरे ड्राइवर भैया हैं, लेकिन और ड्राइवर के बगल में देखिए दो जने, एक के ऊपर एक बैठे हुए हैं, जरा देखिए हेल्पर है, लेकिन एक को तो चला आती है, जो छोटे हैं उनको गाड़ी चलानी आती है, जो बड़ी है इनको देखिए बस बोलना आता है, जरा गौर से इनको देखिए। तो अभी हम जा रहे हैं मौसी के घर, यहाँ से आधा घंटा। सुबह आपसे बोला था कि आज शायद जाएंगे, तो वहीं जा रहे हैं अभी घूमने, और देखते हैं अभी वहाँ हम लोग क्या क्या करते हैं। देखने के लिए आप लोग भी जुड़े रहिएगा। तो देखिए बाहर हो रही है बारिश, और ये मेरा MBBS ड्राइवर, और ये देखिए हमारा MBBS ड्राइवर, और ये बगल में BMS। हम लोग मस्ती करते हुए जा रहे हैं। ये हमारी मासी और ये देखिए हीरोइन। छः बजने वाले हैं, 5:30 हो रहा है।
अभी हम लोग निकल रहे हैं देवरिया के लिए, फिर मिलेंगे आप लोगों से। अभी देवरिया पहुँचे, नींद आ रही है अभी तो सुबह बहुत। मैं कल आपको वहाँ पे नहीं दिखा पाई थी कि हम लोग क्या क्या मार्केटिंग करके लेके आए थे मार्केट से, मम्मी का राखी गिफ्ट दिखाती हूँ आपको। तो ये रहा मम्मी का रक्षाबंधन गिफ्ट, ये एक साड़ी है, प्रिटी है ना बहुत। और मुझे भी मिली है एक साड़ी जो मेरे ससुर जी और पापा ने मेरे को गिफ्ट की है। ये रही साड़ी, ये रेड में है, चेरी रेड नहीं बोल सकते इसको, एकदम डार्क नहीं है, ये कैमरे में थोड़ा पिंकिश पिंकिश सा दिख रहा है, थोड़ा सा रेड है, चटक वाला रेड है। बहुत प्रिटी साड़ी है ये भी, लाइट वेटेड है बहुत। तो ये रही साड़ी। और मम्मी ने अपने लिए दो बिंदिया लिए, जैसे मम्मी बड़ी बड़ी बिंदिया पहनना बहुत पसंद करती हैं, तो बड़ी बिंदिया नहीं मिलती हर जगह, मतलब जो जिस साइज़ का वो पहनती हैं, तो ये मम्मी दो दो लेके आई हैं। तो वहाँ पे ना कल एक दुकान का ओपनिंग था, वो उसी दुकान में से ये लेके आई हैं, तो उन दुकान की पहली ख़रीदारी हम ही लोगों ने की थी। और मम्मी ने दो लिए हैं क्लचर, और मैंने लिया है एक वाओ का फेस वॉश, और एक सनस्क्रीन जो मेरी ख़त्म हो चुकी थी, और दो नेल पेंट्स लिए मैंने, और एक लिपस्टिक ली थी मेबलिन की चेरी शेड में, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, अभी वो यहाँ पे है नहीं, पता नहीं कहाँ डाली हुई है मैंने। तो ये सब शॉपिंग कल हम लोगों ने की थी। तो कैसी लगी आप लोगों को हमारी साड़ी शॉपिंग ज़रूर बताइएगा। तो जुड़े रहे मेरे वीडियो के साथ। आज का ब्लॉग जो है मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर करना ना भूलें। आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग पर, तब तक के लिए बाय।